हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब? तो आफ्टर लॉन्ग टाइम, और जहाँ तक कि ये हमारा जो चैप्टर चल रहा था, मेटल एंड नॉन मेटल, तो उससे पहले सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको। और काफ़ी लंबे समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। जैसा कि मुझे लगता है तुम सब प्रीवियस जो दो लेक्चर मेटल एंड नॉन मेटल के हुए थे भूल गए होगे, ठीक है? तो उसे कोई दिक्कत नहीं, मैं वैसे भी घर पे पढ़ने को बोलता भी नहीं हूँ। मैं सारा रिवीजन करवा दूंगा उसको, कैसे करना है क्या करना है, इट्स ऑल अपॉन मी। और जैसा कि मैं होमवर्क देता हूँ दो तीन, अगर वो होमवर्क कर लेते हो, और उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, तो होमवर्क तो करके आते नहीं हो, ठीक है? तो चलो मैं लेक्चर शुरू करता हूँ, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नवोज अकेडमी। माई नेम इज अंकित कुमार एंड मैं यहाँ पर केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाता हूँ, ठीक है? देखो, मेटल एंड नॉन मेटल, लास्ट क्लास में हमने मेटल एंड नॉन मेटल में क्या पढ़ा था? वॉट वी स्टडीड मेटल एंड नॉन मेटल इन लास्ट क्लास। देखो, मेटल एंड नॉन मेटल में हमने पॉइंट नंबर वन को समझा था कि मेटल क्या होता है। किसी भी मेटल की, मान लो कोई मेटल है, मान लो आयरन है, आयरन को Fe लिखते हैं, Fe। तो Fe कोई एक एटम है, एटम के आउटर मोस्ट सेल में वन इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन या थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो उसको कहते हैं मेटल, ठीक है? मेरा कहने का मतलब, मान लो ये मेरा रूम है, मतलब घर है, घर मेरे घर के जो बाहर वाला बालकनी है ना, उसमें अगर एक आदमी, दो आदमी या तीन आदमी होते हैं, तो कहते हैं कि हाँ ये अंकित का घर है, ऐसा कहते हैं ना? मतलब मेरे घर में चार लोग हैं, तो बालकनी में तीन लोग हैं, तो कहते हैं अंकित का घर है। तो सिमिलरली सारे सारे फैमिली के परिवार अलग होते हैं, मतलब ज्यादा होते, कोई कम होते, उस बात पर हर मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं, ठीक है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास सोडियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम का, ठीक है? तो सोडियम में, सोडियम के हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो सबसे लास्ट वाला सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सबसे लास्ट वाला सेल में एक। इसको मैंने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करा था, ड्राइंग वगैरह बनाकर बताया था। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, तो इसका मतलब क्या हो गया? मेटल हो गया। क्योंकि मेटल का डेफिनेशन क्या कहता है? अगर आपके आउटर मोस्ट सेल में वन या टू या थ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी कहते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये तो आया 2 3, आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 3, दैट्स इट इज कॉल्ड मेटल। सिमिलरली एल्यूमिनियम, ठीक है? नॉन मेटल में अगर आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग नॉन मेटल। नॉन मेटल के एग्जाम्पल कार्बन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मैंसन नहीं करा है, कर लेना है यहाँ पर। ओके, नाउ व्हाट्स द फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल? मेटल्स, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, 2 पॉइंट, ठीक है? देखो, तो जो मेटल का फिजिकल स्टेट होता है ना, सॉलिड होता है। मेटल्स जनरली आर सॉलिड, ओके, एंड नॉन मेटल आर गैसेस, ठीक है? तो ये तो बस रटने वाला पॉइंट है यार, इसमें क्या बताऊँ। तुम्हें समझ में भी आ रही होगी यार कि जो मेटल है जनरली सॉलिड होती है लाइक हमारे पास कोई अल्यूमिनियम है, हमारे पास ये आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है? तो ये सब क्या होती है? ये सब सॉलिड होती है, ठीक, सॉलिड होती है ना यार। लिक्विड तो होती नहीं, गैस भी नहीं होती। लिक्विड होती तो बह जाती, ठीक है? गैस होती तो उड़ जाती, ठीक है? तो जेन्युइन सी बात है कि ये सॉलिड है, ठीक है? इसमें एक्सेप्शन है, जो मेटल है ना, मरकरी और गैलियम, ठीक है? ये दोनों मेटल है, बट रूम टेम्परेचर पे, मतलब कि जिस टेम्परेचर पे अभी तुम और हम बैठे हैं ना, उस टेम्परेचर पे ये क्या होता है? उस टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है, इस टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। तो इसमें ये एक्सेप्शन कह सकते हो। हालांकि तुम्हारे सिलेबस में इतना सारे एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है इसको, बट ये वाला एक्सेप्शन जो, ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, ठीक है? मैंने सब में एक्सेप्शन लिखा है, ठीक है? तो सारे एक्सेप्शन याद करने की जरूरत नहीं है, ये जो एक्सेप्शन है, बट ये वाला एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। बाकी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन सा एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं है, ठीक है? एंड नॉन मेटल आर गैसेज लाइक क्लोरिन, Cl2, O2N2 एंड लिक्विड आर ब्रोमीन, ठीक है? जो नॉन मेटल है जनरली क्या होते हैं? गैसेस होते हैं, जैसे कि Cl2O2N2, और नॉन मेटल लिक्विड भी होते हैं, एग्जाम्पल में हो गया ब्रोमीन, ठीक है? नाउ मेटल्स, मेटल को तुम अगर पॉलिश कर दोगे ना, लाइक ये मेरे पास वॉच है, ठीक
ठीक है, इसका जो ये है ये स्टील का है, स्टील का है ठीक है। अगर मैं इसको अच्छे से चमका दूँ, पॉलिश कर दूँ, कपड़े से रगड़ दूँ, तो ये चमकने लगेगा, शाइन करना पड़ेगा, शाइन करने लगेगा। तो ये सब तो यार जेन्युइन सी बात है कि ये सब मेटल की प्रॉपर्टी होती है। कोई भी आयरन को तुम रगड़ दो तो चमकने लगेगा, ठीक है। तो तुम कहोगे यार सर सूज को भी तो हम रगड़ देते तो चमकने लगता है, तो जो सूज का ऊपर का चमड़ा होता है वो तो मेटल हो गया। ऐसी बात नहीं है यार, मैं अपनी ये बेड शीट और जो उधर कर्टन लगे हुए हैं मैं उसको भी अच्छे से साफ कर दूँ, रगड़ दूँ, तो वो भी चमकने लगेंगे, धो दूँ वो भी चमकने लगेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी कि सब मेटल हो गया, ठीक है। दिमाग लगाओ, जेन्युइन सी बात है, किसी चीज़ को रगड़ोगे ठीक है और वो बेंड नहीं होगा। मान लो कि ये कोई मेटल है, इसको रगड़ रहे हैं, ये बेंड नहीं हो रहा है, बेंड नहीं हो रहा है ठीक है। मेरे पास और कुछ नहीं है, तो बेंड नहीं होगा किसी चीज़ को रगड़ने, मतलब जेन्युइन से बात है, तुम्हें फील आ जाएगी वो मेटल है, बेंड नहीं हो रहा है, रगड़ने पर शाइनी सरफेस आ जा रही है ठीक है। और तुम बहुत ज्यादा रगड़ दोगे ना तो उसमें लाइट भी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करने लगेगी, लाइट बहुत ज्यादा रगड़ के बहुत ज्यादा साफ कर दिए हैं, तो जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो उसको कई बार रिफ्लेक्टिंग सर्फेस भी बोलते हैं ठीक है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, एक्सेप्शन देखो, लेड हैव डल अपीयरेंस ठीक है। लेड है ना, जो लेड, पीवी, पीवी लेड, लेड को पीवी टीना बोलते हैं इसको, टीना ठीक है। तुम टीना को रगड़ दोगे ना तो चमकेगा नहीं, चमकेगा नहीं, एक बार रगड़ के देखना ठीक है। एंड नन मेटल, नन मेटल और डल, ऑब्वियस सी बात है यार, नन मेटल को तुम रगड़ोगे तो चमकेगा नहीं ठीक है। लाइक कार्बन हो गया, तुम्हारा फॉस्फोरस हो गया, नॉन मेटल में गैसेस भी आ जाते हैं, तो गैसेस को तो तुम छू ही नहीं पाते हो, तो रगड़ोगे क्या ठीक है। लिक्विड आते हैं इसमें, एंड तो लिक्विड लाइक वाटर, हनी, तुम इसको कैसे रगड़ोगे क्या, मतलब कोई लॉजिक बन रही है इस बात की? कोई भी लॉजिक नहीं ठीक है। तो ये जेन्युइन सी बात है, मैं भले ही इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हें एक बार पढ़ने पर समझ में आ जाती है, सब एक्सप्लेन करने वाली चीज़ें नहीं होती है ठीक है। एक्सेप्शन इसमें देख लो, नॉन मेटल में आयोडीन एंड डायमंड, ग्रेफाइट क्रिस्टल, हाँ डायमंड को रगड़ोगे तो चमकने लगेगा, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सेप्शन। ग्रेफाइट एंड आयोडीन को भी रगड़ोगे तो चमकने लगेगा ठीक है। एक काम करो, तुम डायमंड को गूगल पे सर्च करना, जैसा डायमंड दिखेगा, डायमंड तो सबको पता है कैसा दिखता है, आयोडीन एंड ग्रेफाइट गूगल पे सर्च कर लेना, तुमको दिख जाएगा कैसा लगता है ठीक है। हार्डनेस, मेटल है जनरली हार्ड, ऑब्वियस सी बात है ये मेटल है ठीक है, ये हार्ड है, हार्ड है ये, लाइक ये मेटल है, ये हार्ड है, हार्ड है ठीक है। एंड नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं ठीक है। नॉन मेटल लाइक ये बुक है, ये बुक है, ये जनरली सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ठीक है। ये सॉफ्ट होते हैं, बेंड करो बेंड हो जाएगा, हाँ सी बेंड हो जा रहा है, ये तो जनरली सॉफ्ट होते हैं। इट्स ऑल जेन्युइन ठीक है, यू नो नीड टू पुट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन योर माइंड बिकॉज ऑफ दिस टॉपिक। ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, अगर फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा लग भी रहा हो ना तो कोई जरूरत नहीं है, ये बस लास्ट टाइम एग्जाम के पहले एक बार पेज पलट के देखते हैं कि हाँ ये चीजें है ठीक है, बाकी इसमें समझने लायक तो कुछ है ही नहीं ठीक है। एक्सेप्शन में तुम्हारा मरकरी, गैलियम, ये हार्डनेस का हो गया तुम्हारा। एक्सेप्शन में इसमें जो मेटल हार्ड होते हैं ठीक है, मेटल जनरली यार हार्ड, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मरकरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेप्शन है। नॉन मेटल जनरली सॉफ्ट होते हैं, इसमें एक्सेप्शन होते हैं डायमंड ठीक है। डायमंड सॉफ्ट नहीं होते, ऑब्वियस बात है, पता है डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड। डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब कि तुम देखते हो ना कोई जो मिरर काटा जाता है ना, जो अच्छे अच्छे जगह का मिरर काटा जाता है, जो बुर्ज खलीफा में बाहर से आप देखे वो फिनिश जो किया हुआ है, पूरी अच्छी तरह से शीशा का फिनिश, मिरर का फिनिश किया हुआ है, तो उसका जो मेटल कट किया गया था ना वो बेसिकली 100% प्योर डायमंड से उसका मेटल कट किया गया था। क्यों? क्योंकि डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है ठीक है, उससे मेटल उसका कट किया गया था, मतलब लोहा को भी काटना होता है तो कई बार हम कई बार क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम डायमंड को ही हम लेते हैं ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंडस्ट्रीज में डायमंड यूज किया जाता है लोहे को काटने के लिए ठीक है, मिरर को काटने के लिए भी यूज करते हैं ठीक है। जैसे तुम घर में नींबू वगैरह नहीं काट लेते हो जेन्युइन स्टील के चाकू से, वैसे लोहा तो कोई नींबू है नहीं, इसलिए उसके लिए चाकू और बढ़िया चाहिए, तो हम डायमंड का चाकू लेते हैं, क्योंकि डायमंड इज द वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड ओके। हालांकि उससे बेसिकली हार्ड सब्सटेंस आजकल फाउंड हुए हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट फाउंड हुए हैं ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ रही होगी। अब मेटल्स का ऑब्वियस सी बात है, मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा ठीक है। मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होगा? बॉइलिंग पॉइंट लाइक चाय और दूध देखते होगे तुम जब गैस गैस को ऑन करते हो ठीक है, तो सब समझो गैस को ऑन किया तुमने, पानी जल्दी बॉयल बॉयल होने लगता है, मेल्ट बॉयल होने लगता है ठीक है। ऑब्वियस बात है तुम्हारा चाय इतना जल्दी बॉयल नहीं होगा, चाय इतना जल्दी बॉयल नहीं होता है, पानी डालते ही तुरंत बॉयल होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ठीक है। तो लाइक यही है कि तुम कितना ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस ले रहे हो, मान लो बहुत ज़्यादा हार्ड लिए
उसको बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बॉयल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर मेटल था जनरली हाई, ठीक है। तो सपोज तुम आयरन ले लिया, आयरन क्या है, एक मेटल है, ठीक है। तो आयरन क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पर कंपैरेटिवली नॉन मेटल, कंपैरेटिवली नहीं, नॉन मेटल से बहुत ज़्यादा होता है। आयरन का 2000 समथिंग करके कुछ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस का अराउंड, ठीक है। समझो तुम वाटर जो है, वाटर क्या है तुम्हारा, नॉन मेटल है, वो 100 डिग्री सेल्सियस में ही बॉयल होने लगता है। और आयरन देखो यार तुम्हारा 2000 3000 जाता है बॉयल होने के लिए, ठीक है। तो उसमें गर्मी मतलब ज़्यादा हम टेम्परेचर देते हैं उसको, क्यों, ताकि जो आयरन है तुम्हारा ना, जो लोहा है ना, पिघल जाए। ऑब्वियस बात है, लोहा को पिघलाने के लिए तुमको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा यार, ऐसा थोड़ी आसानी से पिघल जाएगा, ठीक है। हम इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में सबसे पहला बार जब हम उस लैब में गए थे, वर्कशॉप के लैब में गए थे, वो लैब का नाम क्या था, अरे जिसमें हम मेटल वगैरह मेल्ट करवाते हैं ना, मेल्ट कराते हैं, मेटल को जोड़ते हैं, तो पहली बार मेरे हाथ में ना वो आया था, वो पिघलाने के लिए क्या बोलते हैं, देखो मैं सब भूल गया यार वो। तो उससे ना हम मेटल को पिघला दे रहे थे, काफ़ी मज़ा आ रहा था उसमें। हम तकरीबन 2000 3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे थे, पूरा फ्लेम ऐसे निकल रहा था। तुम मार्केट में भी देखे होगे गाड़ी वाड़ी जहाँ पे वो नहीं होता तुम्हारा, मेल्ट करके जोड़ा जाता है, कुछ टूट जाता है, ट्रक वगैरह को टूट जाता है, जिसको मेल्ट करके जोड़ा जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये सब बात है। देखो मान लो तुम, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, मान लो तुम आ, 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 इस हाथ में, इस हाथ में दोनों हाथ के अंदर, मान लो इतना मेरा जगह है, दोनों हाथ के अंदर हम सेम अमाउंट भर सकते हैं, ठीक है। मान लो इस हाथ में अपने पूरे मुट्ठी भर पकड़ लिए आयरन, इस हाथ में पूरे मुट्ठी भर पकड़ लिए हम, क्या पकड़ लिए मुट्ठी भर, क्या पकड़ लिए, कागज पकड़ लिए, ठीक, कागज पकड़ लिए। अब एक बात बताओ, दोनों में से भारी कौन होगा, दोनों तो मुट्ठी भर ही है, दोनों में से भारी कौन होगा। तुम बोलोगे सर दोनों तो मुट्ठी भर ही है, दोनों बराबर होगा, नहीं यार, आयरन भारी होगा ना, आयरन भारी होगा, कागज तो फिर भी आयरन से हल्का होता है ना, कागज आयरन से हल्का होता है, ठीक है। क्योंकि आयरन जो है बहुत ही कम जगह पे बहुत ही ज्यादा मास ऑक्यूपाई कर लेता है, बहुत ही कम जगह पे बहुत ही ज्यादा मास वो ऑक्यूपाई कर लेता है, बिकॉज आयरन का डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। डेंसिटी मतलब क्या, आप कितने कम जगह पे कितना ज्यादा मास है उसका, कितना ज्यादा वजन है उसका, कितना ज्यादा वजन है, वही वही बात हो गया ना। तो एक गधा था, गधा था, एक के गधा पे बहुत ज्यादा रुई रुई लादा जाता था, ठीक है। तो वो रुई रुई ऑब्वियस से बात बहुत हल्का होता है, तो उस गधे को लगता था यार मेरे ऊपर तो इतना ज्यादा रुई डालकर ये जो हमारा मालिक है ले जाता है, दो गधा था उस मालिक के पास, तो वो गधा दूसरे गधे की दूसरे गधे पे, गधे के किसी के, हाँ दूसरे गधे की पीठ पर नमक रखा जाता है, दूसरे जगह गधे के पीठ पे नमक ही था ना यार, हाँ नमक ही था, हाँ दूसरे गधे के पीठ पर नमक रखा जाता है, ये कहानी सुने होगे तुम। तो सिमिलरली वही बात है कि उसके पे नमक जो रखा जाता है, एक बोरा नमक रखा जाता है, ठीक है। और इस पे जो है, इस पे जो रुई रखा जाता है, बहुत ज्यादा रखा जाता है। दोनों गधे का तो यार वजन सेम है, आई मीन उनका कैपेसिटी सेम है, दोनों सेम खाता होगा क्योंकि एक मालिक का है। तो ऐसा मालिक उसके साथ अत्याचार करता था, नहीं अत्याचार नहीं करता था यार, दोनों का वजन ही सेम है, क्योंकि रुई का डेंसिटी बहुत ही कम है, इसलिए रुई बहुत ज्यादा दिखता है, बहुत ज्यादा दिखता है उस गधे की पीठ पे, बहुत ज्यादा दिखता है। बट जो तुम्हारा वो होता है ना नमक, बहुत भारी होता है, बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा मास ले लेता है, बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा मास ले लेता है, तो इसलिए ना। सॉरी देखो, तो वही बात हो गई कि आप पे सिर्फ पे डिसाइड नहीं कर सकते मेरे हाथ में दोनों सेम आ गए तो दोनों का वजन सेम होगा। ओबियस बात है, ये बहुत ज्यादा मीम्स वगैरह भी तो फेसबुक में ऐसा आता है कि लाइक एक तराजू है, एक तराजू में एक तरफ आप लोहा रख दिए इतना, एक तरफ आप 1 kg लोहा रखें, एक तरफ 1 kg रुई रखें, तो दोनों में तो वजन किसका ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है बराबर होगा, क्योंकि अब तो हम नाप के रख रहे हैं ना, दोनों दोनों 1 kg है, रुई 1 kg बहुत ज्यादा आ जाएगा, लोहा थोड़े से में 1 kg हो जाएगा। तो वही बात है, डेंसिटी का मतलब मैं बता रहा था कि डेंसिटी उसका ज्यादा होता है जो बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा वजन लेकर चलता है, बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा वजन लेकर चलता है। तो मेटल जनरली है हाई डेंसिटी, ऑब्वियस सी बात है मेटल का, मान लो मेटल जब भी मैं बोलूँगा तो मन में सिर्फ एक चीज खड़कना चाहिए, मन में सिर्फ एक चीज खड़कना चाहिए, आयरन,
आयरन, मन में सिर्फ तुम्हारे आयरन आने चाहिए, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, हाँ नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी एक्सेप्शन डायमंड, डायमंड का तो यार अलग ही चलता है, ठीक है। तो इसमें देखो इसका एक्सेप्शन क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विथ नाइफ। सोडियम एंड पोटेशियम क्या मेटल है, सोडियम एंड पोटेशियम मेटल है, जैसे मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया था कि इसके आउटर मोस्ट में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटल। बट ये आसानी से चक्कू से काटे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सॉफ्ट टाइप फीलिंग आने लगती है, ठीक है। तो इसमें ये एक्सेप्शन माना जाता है। और देखो मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है, देखो मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल क्या होता है, कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, ठीक है। मतलब कोई भी मेटल जितना ज्यादा डक्टिलिटी नेचर का रहेगा तुम उतना ज्यादा उसको थिन कर सकते हो, पतला कर सकते हो, ठीक है। ये बात जानते हो तुम, गोल्ड जो है ना, गोल्ड तुम्हारा गोल्ड 1 ग्राम गोल्ड से ना तुम 1 ग्राम गोल्ड को ना तुम 2 किलोमीटर खींचकर लंबा वायर ले जा सकते हो, 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक। तो सोचो गोल्ड का डक्टिलिटी नेचर कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा उसको कितना तुम थिन कर सकते हो, उसको कितना ज्यादा तुम थिन वायर में जाके कन्वर्ट कर सकते हो, कितना ज्यादा थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हो उसके, ठीक है। तो मेटल्स आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब उसको कितना ज्यादा थिन कर सकते, कैन बी ड्रॉन इंटू थिन वायर। तो यहाँ पे मैंने डक्टिलिटी के डिफिनेशन भी लिख दिया, कैन बी कन्वर्टेड इंटू थिन वायर। एग्जाम्पल दिया मैंने कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड के ब्रैकेट में मैंने एक बात लिखी है कि मोस्ट डक्टाइल, गोल्ड बहुत ज्यादा डक्टाइल होता है, दैट इज आई ई मतलब का मतलब होता है दैट इज 1 ग्राम गोल्ड कैन बी कन्वर्टेड इंटू 2 किलोमीटर थिन वायर्स। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है तुम्हारा टंगस्टन, टंगस्टन इतना ज्यादा तुम उसको पतला करते हो कि उसको इनविजिबल वायर बोलते हैं, ठीक है। वो जो जादूगर होते हैं ना, जो देखते हैं कोई चीज हवा में उड़ गया, वो टंगस्टन वायर का यूज करते हैं, क्योंकि टंगस्टन को तुम इतना ज्यादा पतला कर देते हो ना कि वो दिखता ही नहीं है, वो दिखता ही नहीं, वो इतना ज्यादा पतला हो जाता है, उसका डक्टिलिटी नेचर इतना ज्यादा होता है। नॉन मेटल्स डक्टिलिटी नेचर कोई शो नहीं करता है, ऑब्वियस सी बात है, क्या डक्टाइल मतलब क्या तुम इसको क्या पतला करोगे, मतलब समझ में आ रहा है, मतलब क्या मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात की, ठीक है। पानी को तुम पतला करोगे क्या, मतलब समझ रहे हो। तो एक्सेप्शन क्या है, कार्बन फाइबर्स, हाँ कार्बन फाइबर्स जो है इट्स समटाइम्स शो मेटालिक प्रॉपर्टी, एंड जो कार्बन फाइबर्स होता है उसको तुम पतला कर सकते हो, ठीक है। यू नो नीड टू रिमेंबर दिस एक्सेप्शन, यू नो नीड टू रिमेंबर दिस एक्सेप्शन, मुझे मिला था तो मैंने लिख दिया एक्सेप्शन, HG ZnNaNK, हाँ इसमें भी एक्सेप्शन है तुम्हारा, बट यू ऑल्सो नो नीड टू रीड दिस एक्सेप्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है। नाउ मेटल्स आर मेलेबल, ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होता है कि तुम उसको कितना ज्यादा पीट कर थिन सीट बना सकते हो। एक तो तुम पहले घीच के लंबा वायर बना रहे थे डक्टिल में, डक्टाइल में, ठीक है। अब तुम इसको तुम कितना ज्यादा पीट कर, कितना ज्यादा पीट कर इसको कितना ज्यादा फैला सकते हो, कितना ज्यादा फैला सकते हो, लाइक तुम रोटी बेलते हो ना रोटी, तो तुम कितना ज्यादा उसको पीट सकते हो, कितना ज्यादा उसको बेल कर कितना ज्यादा फैला सकते हो, कितना ज्यादा फैला सकते हो, ठीक है, कितना ज्यादा फैला सकते हो। तो वो होता है मेलेबल, मेलेबल, ठीक है। तो छोड़ो बाद में बताऊंगा, एक बात बताना था। तो मेटल्स आर मेलेबल, मेलिएबल, तो मेलिएबिलिटी का डिफिनेशन क्या होता है, इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, एग्जांपल एल्यूमिनियम, AU का मतलब होता है गोल्ड, एटसेट्रा, ठीक है। गोल्ड को भी तुम बहुत ज्यादा पीट कर बहुत ज्यादा पतला बना सकते हो, गोल्ड का प्रॉपर्टी, गोल्ड डक्टाइल भी होता है और मेलेबल भी होता है, एक्सेप्शन देख लेना, नॉन मेटल था नॉन मेलेबल इन नेचर, ओके। देखो मेटल्स क्या होता है, कोई भी अगर तुम कभी भी प्योर मेटल लोगे ना यार, प्योर मेटल तुम कभी भी अपनी जिंदगी में प्योर मेटल लेते हो तो क्या होता है, प्योर मेटल मतलब क्या, समझ रहे हो। हाँ चलो, तो प्योर मेटल मतलब क्या होता है तुम्हारे लाइफ में, कि कोई भी अगर प्योर मेटल है ना, तो उसको तुम हल्का सा ऐसा करके फोर्स लगाते हो ना, फोर्स लगाते हो ना, तो वो कट करके टूटता नहीं, टूटता नहीं, वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, बेंड हो जाता है, एक हद तक अगर तुम उसको मोड़ देते हो ना तब जाकर वो टूटेगा। ये ना कि हल्का सा हम इसको फोर्स लगा दिए तो हल्का सा हम इसको बेंड ऐसे करना चाह रहे थे, तो यार हल्का सा बेंड ना होकर वो टूट जाता है, वो मेटल नहीं होता यार, ठीक है। अब तुम बोलोगे नहीं सर मेरे घर खिड़की लगा था एल्यूमिनियम का, मैंने हल्का सा उसको बेंड किया, वो एल्यूमिनियम टूट गया, यार वो प्योर एल्यूमिनियम नहीं होता, वो उन्होंने कार्बन मिक्स किया होगा, ठीक है, उन्होंने कार्बन मिक्स किया होगा, ठीक है। तो अगर वो जो होता है ना, तुम कोई भी मेटल का तुमको चेक करना है कि प्योर है कि नहीं, उसका हल्का सा बेंड करके देख लो, जैसे कि तुम्हारे जब घर बनता है ना घर, तो जो तुम्हारा वो लगता है ना आयरन रड लगता है ना, आयरन रड उसको जो छड़ बोलते हैं, छड़, ठीक है। तो उसको तुम बेंड उसको देखो, देखो यार कितना हद तक वो बेंड हो जाता है, ठीक है। तो
तुम उसको बेंड कर सकते हो, वो होता है प्योर, ठीक है। तुम कितना ज्यादा अच्छा लोगे वो और अच्छा से बेंड होगा। तो जो मेटल होता है ना, सीधे सीधे मैं ये कह रहा हूँ, मेटल होता है ना हल्का सा फोर्स लगाने पे टूटता नहीं है, ठीक है। मेटल को तुम जनरली बेंड कर सकते हो, मेटल को जनरली तुम बेंड कर सकते हो। अच्छा ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल ब्रिटल कुछ नहीं होता है, इंग्लिश इंग्लिश वर्ड मीनिंग इसका समझो। ब्रिटल मीन्स होता है ऑन अप्लाइंग फोर्स इट विल ब्रेक, ठीक है। तो कहने का मतलब जो मेटल होता है ना ब्रिटल नहीं होता है, मेटल ब्रिटल नहीं होता है, मेटल के पे फोर्स लगाने की वजह से मेटल टूटता नहीं है। मेटल हाँ हार्ड होता है, हार्ड होता है, हार्ड होता है, उसको तुम आसानी से बेंड नहीं कर दोगे यहाँ से, हार्ड होता है, बट इस सब फोर्स लगाने पे ये टूट नहीं जाता है। दैट्स व्हाई आई कॉल मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल। ओके, ब्रिटल का डिफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है, एक्सेप्शन मैंने यहाँ लिखा है, सॉलिड सोन ब्रिटल प्रॉपर्टी इन केस ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। एक्सेप्शन गैसेस, नॉन मेटल में सॉलिड सॉलिड ही से ब्रिटल प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है ग्रेफाइट, ठीक है। एक्सेप्शन है तुम्हारा गैसेस। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अल्यूमिनियम हो गया तुम्हारा, कॉपर हो गया तुम्हारा, आयरन हो गया तुम्हारा, तुम ये इसको तुम क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पे जाके सीधे सीधे लगा देना, तुम्हें करंट लगेगा तो पता चल जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं। करंट नहीं लगेगा तो समझ जाना इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो समझ में आ रही है, एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि कोई मान लो कोई बिजली के पोल से चिपक गया, तो तुम्हारे वहां पे सिक्स सेंस क्या कहेगा? सिक्स सेंस तुम्हारे यहाँ पे ये कहेगा यार इसको नॉन मेटल से मार के छुड़ाया जाए। तुम लोहा लेके थोड़ी मारने चले जाओगे यार, करंट तो तुमको भी लग जाएगा। तुम आयरन या स्टील लेके थोड़ी मारने चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे सिक्स सेंस काम कर रहा है कि नहीं इसको तुम नॉन मेटल से ही छुड़ा सकते हो। तुम्हारे वहां पे सिक्स सेंस काम कर रहा है, भले तुमको मेटल एंड नॉन मेटल में डिफ्रेंसिएशन नहीं पता है दैट टाइम, बट तुम्हारा वहां पे सिक्स सेंस काम कर रहा है कि जो अगर कोई आदमी बिजली के खंभा से चिपक जाता है तो तुमको वहां पे उसको नॉन मेटल से छुड़ाना होगा, बिकॉज बिकॉज एट दैट टाइम यू नो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट, ठीक है। तो इसमें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, यू नो दिस पॉइंट, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट, सर आपने तो इलेक्ट्रिसिटी की बात किया, हीट का किया ही नहीं, चलो हीट का कर लेते हैं। हीट का तुम एग्जाम्पल देखना, एक काम करना, तुम गर्म पानी करना, गर्म पानी एक गिलास में नहीं एक काम एक बाउल ले लेना, बाउल ले लेना, उसमें गर्म पानी करके डाल देना, गर्म पानी करके डाल देना, पानी पूरा खौलता हुआ होना चाहिए, और डाल देना उसमें। डालने के बाद एक तुम मेटल लेना, रड लेना, मेटल का रड या कोई भी तुम्हारे घर पे मेटल का रड, कोई भी चीज मेटल होगा, लंबा थोड़ा होना चाहिए, उसको उसमें डालना। धीरे धीरे तुम्हें फील आएगा ना, तो हीट धीरे धीरे तुम्हें जो फील आएगा ना, सपोज ये बाउल है, बाउल में पानी भरा हुआ है, हम वहाँ हमने यहाँ पे रड डाला, धीरे धीरे फील आएगा ना तुम्हें कि पहले तो हीट नीचे था यहाँ पे, अब वहां से हीट करते 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 तुम हाथ ऊपर रखे थे, अब तुम्हारा हाथ भी जलने लगा। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर कर रहा है, नीचे से ऊपर हीट आ रहा है, नीचे से ऊपर हीट आ रहा है, ठीक है। ये नॉन मेटल में नहीं होगा, तुम सिंपली प्लास्टिक ले जाकर उसमें डाल दो, प्लास्टिक तो अंदर ही पिघल जाएगा, हीट ट्रांसफर ही नहीं करेगा प्लास्टिक में, ठीक है। इसका पूरा पूरा चैप्टर है तुम्हारा थर्मोडाइनेमिक्स, पूरा पूरा इंजीनियरिंग है इस पे, ठीक है। थर्मोडाइनेमिक्स ब्रांच का पूरा पूरा इंजीनियरिंग है इस पे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एंड एक्सेप्शन देख लेना, इसमें क्या होता हूँ, चलो इसमें थोड़ा सा बताने की जरूरत है। देखो मेटल मेटल जनरली अब इलेक्ट्रॉन डोनर, सो इट विल बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर इन फॉर्म्स का टाइम। जिसने मेरा दूसरा या पहला लेक्चर देखा होगा तो इसको इस पॉइंट पे दिक्कत ही नहीं आएगी, हालांकि जिसने नहीं देखा होगा आई विल एक्सप्लेन हियर राइट नाउ। ओके देन सुनो मेरी बात, मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन डोनर इन नेचर। तुम्हें पता होगा कि मेटल्स हैव इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करते हैं? मेटल का डिफिनेशन सबसे पहले क्या है बताओ? सबसे पहले मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था? पहला पॉइंट रिकॉल करो यार, अपने माइंड में रिकॉल करते रहो, भले तुम्हें याद ना आ रहा हो, अगर याद ना आ रहा हो तो मेरे साथ रिपीट करो। विच हैव वन टू और थ्री इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। वन टू थ्री, वन टू थ्री मेटल, वन टू थ्री मेटल,
मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। रिपीट विथ मी, मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, या वैलेंस सेल। आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल भी कहते हैं। मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल। रिपीट विथ मी, रिपीट विथ मी, मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। मेटल्स हैव 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, व्हाइल नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। रिपीट विथ मी, व्हाइल नॉन मेटल्स हैव 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल और वैलेंस सेल। ठीक है, अब अपने से बोलो, मेटल्स के वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 1, 2 या 3? नॉन मेटल के वैलेंस सेल या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4, 5, 6 एंड 7। ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ओके, देखो, देखो, सपोज मान लो ये तुम्हारा एटम है, ये तुम्हारा एटम है, दिस विल बी योर एटम। ओके, दिस विल बी योर एटम, दिस विल बी योर एटम। ठीक है, एटम का खोज कहाँ हुआ था पता है तुम लोगों को? किसने किया था पता है? सर डाल्टन, जे जे थॉमसन, नील बोर। किसने किया था? डाल्टन ने किया था। ठीक है, खोज कहाँ हुआ था इसका? इंडिया में? नहीं, सच में इंडिया में ही हुआ था। चलो मैं इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, मुझे भी नहीं पता खोज कहाँ हुआ, बट इंडिया में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि इंडिया में ही सबसे पहले कुछ जो सबूत है लिखा हुआ मिला था कि इसको मेटल एटम एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत पहले ही खोज किया जा चुका था इंडिया में। ठीक है, तो ये है तुम्हारा एटम। एटम कुछ इस टाइप से दिखता है, एंड दिस विल बी योर न्यूक्लियस। ठीक है, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट चार्ज इन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट चार्ज इन न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। ओके, नाउ ओके, पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस आल्सो। एंड नाउ मान लो तुम्हारे पास क्या है, क्या है, क्या है? तुम्हारे पास मान लो एनए है। ठीक है, तुम्हारे पास क्या है? एनए है, हम एनए में पढ़ते हैं। चलो, एनए का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। एनए का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। चलो देखते हैं, एनए है तुम्हारे पास, एनए का एटॉमिक नंबर 11 होता है। ठीक है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करो, पहले वाले घर में सिर्फ 2 लोगों की जगह है, उसके बाद जितने बाकी के घर हैं सिर्फ सब में 8 लोगों की जगह है। तो पहले वाले घर में 11 लोग थे, 2 लोग चले गए, बचे कितने? 11 उंगली निकालो, 11, मेरे पास 10 है, तुम एक अपना निकाल लो। 11 में से 2 लोग चले गए, तो एक उधर से गए, ठीक है, और एक यहाँ से गए, यहाँ से गए। अब तुम्हारे पास कितने लोग बचे? 9 लोग बचे। तो बगल वाले घर में कितने लोगों की जगह है? बगल वाले रूम में कितने लोगों की जगह है? सिर्फ 8। तो बगल वाले रूम में तुम्हारे आ गए 8 है। ठीक है, अब कितने लोग बचे? सिर्फ 1 लोग बचे। 10 लोग तो भर गए, 11 लोग थे, 10 लोग भर गए, 1 लोग बचे। तो आखिरी वाले घर में कितने जाएंगे? एक एक। इसको यहाँ पे इस पे शो करो। ठीक है, हम बार बार इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिख के इस पे शो नहीं करते, क्योंकि बड़ा दिखता है, अच्छा भी नहीं लगता देखने में, हम इसको डॉट करके शो करते थे, डॉट। तो पहले वाले घर में 2 लोग आ गए, 1, 2। ठीक है, एंड सेकेंड वाले घर में कितने लोग की जगह है, कितने लोग आए हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने लोग आ गए? 8 लोग आ गए। एंड उसके बगल वाले घर में कितने लोग आए हैं? 1 लोग आए हैं। तो यहाँ पे हो गए तुम्हारे, यहाँ पे हो गए आपके 1, यहाँ पे हो गए आपके 1 लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब 1 लोग जो ये आए हैं, ये तुम्हारे क्या आउटर मोस्ट सेल? अब तुम कहोगे सर आउटर मोस्ट सेल तो ये, अरे मैंने बना दिया, मुझे क्या पता था इतना तक जाएगा। ठीक है, मैं और बना दूंगा, ये तो यार इन्फिनिटी तक हम बना सकते हैं, अनगिनत, तुम्हारा मन जितना बना दो। आउटर मोस्ट सेल उसको कहते हैं जहां तक इलेक्ट्रॉन आखिरी में भरा हो। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल उसको कहते हैं जहां तक इलेक्ट्रॉन आखिरी में भरा हो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा आउटर मोस्ट सेल, ये। ठीक है, मैं बताना क्या चाह रहा था,
मेटल्स क्या होता है? सबसे पहले मेटल्स जिसके पास लास्ट में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन, तो ये मेटल है। यस ये मेटल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनते जाना, बहुत बात है। कोई एक नॉन मेटल का एग्जांपल ले लो, लाइक सल्फर। नॉन मेटल का एग्जांपल लिया हमने सल्फर। हैविंग एटॉमिक नंबर 16, मैंने 1 से 20 तक याद करवाया था। हैविंग एटॉमिक नंबर 16, व्हाट विल बी इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन ऑफ सल्फर? 2 8 6, ठीक है। 2 8 6, मैं बार बार एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आई मीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो पहले वाले में कितने आएंगे? मैं इधर भी बना दूँ क्या? चलो बना ही देता हूँ, छोटा सा ही बनाता हूँ इधर। वेट वेट वेट, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये होता है आलसी का निशाना। ये देखो कंट्रोल सी कंट्रोल भी, आ क्यों नहीं रहा यार ये क्या हो गया? अरे नहीं, सब उल्टा सीधा हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल भी नहीं हो रहा यार इसमें। यही उठ के चला गया, मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो गया ये। देख, अरे मैं बना देता हूँ यार, तुम क्या, तुम भी गया यार, बेकार का टाइम वेस्ट ही होगा थोड़ा सा। नाउ मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, बनाना पड़ेगा ज्यादा। चलो 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 चलो, डन डन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक पहले वाले में, अंदर वाले में कितना आया? 2। उसके बाद कितना आया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 6। 1 2 3 4 5 6, ओके बच्चा। लास्ट वाले सेल में कितने गए हैं? 6 गए हैं। लास्ट वाले सेल में कितने गए हैं? 6 गए हैं। मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में कितने गए हैं? 6 गए हैं। तो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन क्या है? नॉन मेटल है, ऑब्वियस बात है। आउटर मोस्ट में एक है, ये 6, ये है मेटल, क्योंकि मेटल का डिफिनेशन कहता है आउटर मोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो मेटल। नॉन मेटल का डिफिनेशन कहता है आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो तो वो नॉन मेटल। तो ये है तुम्हारा नॉन मेटल, ये है तुम्हारा नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ओके ठीक है। अब क्या होता है, एक बात तुम याद रखना, मैं ये ऐड नहीं किया वो पीपीटी में, ठीक है, तो पीपीटी में मैं ऐड कर दूंगा। एक बात तुम याद रखना, ये क्या कहता हूँ, ठीक है, एक बात तुम ध्यान रखना यहाँ पे नोट, कि कोई भी एटम हाईली स्टेबल कब होता है? मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है? जैसे कि मैं दिल्ली मुंबई कोलकाता करते रहता हूँ, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल मैं यहाँ पे होता हूँ, घर पे होता हूँ, ठीक है। मेरी एनर्जी यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, खाना पीना भी सही होता है मेरा, इसलिए एनर्जी मेरी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो वही बात होगी ना, जो मेटल है या कोई भी एटम है, मेटल नहीं, कोई भी एटम है, वो हाईली स्टेबल कब होती है? जब वो फुल्ली फिल्ड हो, मतलब उसके लास्ट वाले सेल में 8 के 8 ही बंदे होने चाहिए। लास्ट वाले सेल में 8 के 8 लोग होने चाहिए। सपोज मेरा ये घर है, मेरा ये घर हाईली स्टेबल कब होगा? मतलब सबसे खुशहाल घर मेरा कब रहेगा? मैंने जितने लोगों के लिए रूम बनाया था उतने लोग इस घर में आके रहे हैं, ठीक है। मैंने ये अपने वाले रूम में मेरे 2 लोग रह सकते हैं, बगल वाले में 8, उससे बगल वाले में 8, ठीक है। इसमें 2 लोग तो हैं, बगल वाले में भी 8 हैं, उससे बगल वाले में सिर्फ 6 हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये सल्फर के एग्जाम्पल देख रहे हो, अंदर वाले में 2 हैं, उसके बगल वाले में 8 हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 हैं, तो ये घर यार उतना स्टेबल नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि मेरे पास 2 लोग और आ जाते ना, मतलब मेरे पास 8 लोगों की कैपेसिटी है। आउटर मोस्ट सेल कह रहा है कि मेरे पास 8 लोगों की कैपेसिटी है, ठीक है। तो मेरे पास 8 लोग आ जाएंगे ना, तो मेरे पास 8 लोग आ जाएंगे ना, तो मैं पूरा पूरा स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी का मतलब, स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ एटम कहता है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से सुनना, लिख स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एटम इफ 8 इलेक्ट्रॉन इन
आउटर मोस्ट शेल, इफ 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल देन इट विल बी, वन सेकेंड, आई थिंक द टाइम इज गोन नाउ. ओके तो टाइम खत्म हो गया. हम अगले क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है? अगले क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? टिल देन गुड बाय. और होमवर्क आपका वही है, मेडिटेशन करने को जो मैंने बोला था, डेली आपका होमवर्क वही रहेगा, ठीक है? अगर नहीं कर सकते हो तो बता देना, ठीक है? क्योंकि झूठ बोलना सही नहीं है, मेरे से तो झूठा प्रॉमिस करना ही मत कभी. तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला यार, एक्चुअली एक्चुअली 8:55 में तुम्हारा, 7:55 में तुम्हारी क्लास खत्म होना था, क्योंकि अगले क्लास भी है, उसके लिए तुम्हें ब्रेक नहीं मिल पाएगा फिर. ओके okay. ओके देन बाय बाय.